हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, सो वी विल सी एवरीथिंग, ऐड ऑफ द फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट ऑफ द फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई ऑफ द फ्रैक्शन, डिवाइड ऑफ द फ्रैक्शन, देन एट लास्ट वी विल सी द सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर गाइज। अगर आपकी ये चैप्टर वीक है ना, तो फिर आप आगे ना सारी चीज़ें कर नहीं पाएंगे। तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें अभी समझ लेनी है, वन बाय वन सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? तो आप एंड तक हमारे साथ बने रहें। सो व्हाट इज़ फ्रैक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज़ फ्रैक्शन? एडिशन तो पता है हमें, ऐड को हम लोग कहते हैं, ठीक है ना? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारी चीज़ें मालूम है, लेकिन उससे पहले हमें क्या जानना होगा? फ्रैक्शन को जानना होगा। व्हाट इज़ फ्रैक्शन, व्हाट्स देयर पार्ट? तो फ्रैक्शन हम लोग कहते हैं ए नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ओके, ए नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, दिस इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। और ये पी क्या होता है और ये क्यू क्या होता है? P is the upper part which is known as numerator, okay? This is numerator, and Q is the lower part which is known as the denominator, okay? Denominator, okay? Guys, fractions की एक और definition हो सकती है। A number which is in the form of P by Q, that is called fraction। और आप कह सकते हैं a number which is not in the form of P by Q, but it can be expressed in the form of P by Q। आप अगर example के थ्रू समझना चाहें fraction को, तो हम लोग कह सकते हैं if there is 5/3, any number 5/3, तो ये P by Q के form में है ना, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? Fraction कहेंगे। और ये 5 numerator होगा और 3 denominator होगा। सपोज दैट कोई कहता है कि ये सिर्फ 5 है, तो क्या ये फ्रैक्शन है या नहीं है? ऑफकोर्स इट इज़ ऑल्सो ए फ्रैक्शन, बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन 5/1। गाइज, आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर कोई एक्स नंबर है तो इसके पीछे में भी 1 मल्टीप्लाइड है, इसके आगे भी 1 मल्टीप्लाइड है, इसकी पावर में भी 1 मल्टीप्लाइड है, इसके डिवीज़न में भी 1 जो है ना हिडन है। ये सारी चीज़ें जो है ना, देख लें आप अच्छे से, ये सारी चीज़ें हिडन पोर्शन में होती है, ठीक है? तो आप जब चाहें उसका यूज़ कर सकते। तो ये 5 था ना, लेकिन वो एक फ्रैक्शन जैसा नहीं दिख रहा था, हमने डिवाइड करके उसको 1 दे दिया, तो ये 5/1 हो गया, तो ये एक हमारा फ्रैक्शन हो गया। तो अभी हमने जैसा कि डेफिनेशन बताया, ये नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ये 5/3 ऑलरेडी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो इसे हम लोग आराम से फ्रैक्शन कहेंगे। लेकिन ये सिर्फ 5 था, तो इसको हमने 5/1 बना लिया है ना, एक्सप्रेस कर लिया। सेकेंड डेफिनेशन यही थी ना, ये नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। तो ये भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए ये एक फ्रैक्शन हो गया। ओके, तो गाइज हमने आपको बताया कि फ्रैक्शन जो होता है दो पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट पार्ट इज़ द अपर पार्ट विच इज़ नोन एज न्यूमरेटर, एंड द सेकेंड पार्ट इज़ द लोअर पार्ट विच इज़ नोन एज डिनोमिनेटर। ओके, तो अभी हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन इस पर देखने वाले हैं। जो हम लोग देखना है सबसे पहले एडिशन को, कि उसकी एडिशन कैसे करते किसी भी फ्रैक्शन की। तो सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन है 5/10, ओके, एंड दूसरा क्वेश्चन है 2/10। तो ये इस क्वेश्चन में देखेंगे दो फ्रैक्शन है ना, एक है 5/10, एक है 2/10। तो इसके केस में क्या है कि आपके लिए एडवांटेज ये है, ये क्वेश्चन इजी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो टेंशन नहीं लेना है, वही सेम टू सेम लिख देना है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर 10 और 10 की एलसीएम लेंगे, सेम आएगा। ओके, 10 से 10 को डिवाइड करेंगे हम लोग, 10 से 10 को डिवाइड करेंगे, कितने आने वाले हैं? डिवाइड करने के बाद 10 1 जा 10 ना, तो ऊपर 5 है आपके पास, और उसको 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलराइट, जो आएगा जो डिवाइड करने के बाद हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, पहला काम हमने क्या बताया, फ्रैक्शंस 2 हों, 50 हों, 100 हों, जितने भी हों, सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को एलसीएम लेना है। एलसीएम जो आएगा हर एक जो है ना फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना है, और जो डिवाइड करके आएगा कोसेंट, वो आप न्यूमरेटर से हर एक पार्टिकुलर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 10 से इस 10 को डिवाइड किया, 1 आया, और हमने उस 1 को 5 के साथ यानी कि न्यूमरेटर के साथ ऐड किया। ओके, सो नेक्स्ट इज़
अब अगले दूसरे पार्ट जो है हमारे पास है ना, दूसरा फ्रैक्शन जो है उसका डिनोमिनेटर से हम लोग एलसीएम को डिवाइड करने वाले हैं। फिर 10 से 10 को करेंगे तो 1 आएगा, और न्यूमरेटर ऑलरेडी क्या है 2 है, अब 1 से मल्टीप्लाई करने वाले हम लोग। ओके, तो यहाँ से अब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 5 1 5 प्लस 2 1 2 एंड डिवाइड में क्या है 10। अगली बारी में 5 और 2 को ऐड कर देंगे, जैसे 7 बाई 10। तो ये आपकी रिक्वायर्ड आंसर है, नथिंग इज टू मच हार्ड। ओके, तो बस प्रोसीजर आपको सेम रखनी है, कोई भी क्वेश्चन होगा बन जाएगा। इसमें टाइप्स हम लोग देखने वाले हैं, डिनोमिनेटर जब सेम हो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जब डिफरेंट होगा तो क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को मैं अभी करके आपको दिखाऊंगा। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन विच इज सपोज दैट वी हैव 2 बाई 5। ओके, अनदर इज 3 बाई 5 एंड वन मोर इज देयर, लेट्स इट इज 12 बाई 5, वन मोर वी कैन ऐड। ओके, सो हेयर इट इज 7 बाई 5। तो फर्स्ट केस हमने क्या बताया, फर्स्ट केस में मैं वैसे क्वेश्चन को लूँगा जिसके सारे डिनोमिनेटर सेम होंगे। देख लें, सारे फ्रैक्शंस डिफरेंट हैं, ये 2 बाई 5 है, ये 3 बाई 5 है, ये 12 बाई 5 है, ये 7 बाई 5 है। तो 5 5 है ना सारे में, जब डिनोमिनेटर सेम हो अपना तो फिर एलसीएम लेने की उतना इशू नहीं है, सेम नंबर को ही हम लोग लिख देंगे, सेम नंबर ही आपका क्या होगा एलसीएम होगा। अब पार्टिकुलर फ्रैक्शन जो है उससे क्या करना है, उसकी पार्टिकुलर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड। 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 आने वाला है, ऊपर में क्या है न्यूमरेटर के फॉर्म में 2 है ना, तो 2 1 2। ओके, प्लस की साइन थी, हमने प्लस दे दी। फिर नेक्स्ट वाले के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से हमने इसको डिवाइड करना 5 को, 5 से 5 वन टाइम में गया और ऊपर में न्यूमरेटर में 3 है और 1 से मल्टीप्लाई किया। ओके, नेक्स्ट इज फिर नेक्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया, 5 से 1 टाइम में गया और 12 ऑलरेडी है तो हमने लिखा 12 1 12। ओके, फिर ऐड है तो ऐड हम लोग लिखने वाले हैं, फिर इस 5 से इस 5 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 7 पहले से है ना, तो इसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जाने के बाद अब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 1 2। ओके, 3 1 3, 12 1 12, 7 1 7 एंड डिनोमिनेटर क्या है हमारा एलसीएम पूरा क्या है 5 है। नेक्स्ट में अभी हमने क्या करना है, 2 3 5 5 और 12 कितना होगा 17 और 7 कितना होगा 24। ओके, 24 और डिवाइड में क्या है अपना 5। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देखा, क्वेश्चंस इजी हो, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कम हो, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ज़्यादा हो, नो इशू एट ऑल। आपको क्या करना है, सेम प्रोसीजर हर जगह अप्लाई करनी है। चलिए कुछ और क्वेश्चन में ले रहा हूँ, ठीक है ना, विच इज़ डिफरेंट, उसमें ना आपको डिनोमिनेटर अनइक्वल होने वाला है, ठीक है। चलिए सपोज दैट वी हैव 4 बाई 5। ओके, और फिर एक है 2 बाई 10। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हमें क्या करना है कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिफरेंट जब होगा तो हमको उसकी एलसीएम निकालनी होगी। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है, आपका ट्रेडिशनल मेथड ये है, 5 और 10 की एलसीएम लेनी है तो 2 से अप्लाई करते एक नंबर होगा ना, 2 से करेंगे तो सिर्फ 10 डिविजिबल है, 5 नहीं है। तो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो मोर देन 2 नंबर्स को डिवाइड करता हो या एटलीस्ट 2 नंबर को करता हो, तो यहाँ पर हम लोग 5 से करेंगे। तो 5 से 1 टाइम मिल जाएगा, 2 टाइम मिल जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, यही करना होता है ना, 5 × 1 × 2, 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो ये हुआ 10। और अगर आपको शॉर्टकट करनी है, एलसीएम देखकर ही नंबर्स को ले आनी है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप हमारे एक और वीडियोस है ना एलसीएम और एचसीएफ वाली, वहाँ से जाकर शॉर्टकट सीख सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, 5 और 10 टेबल में आते हैं तो इसमें से बड़े वाले नंबर को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। तो वैसे भी ट्रेडिशनल मेथड से टाइम वेस्ट होगा, आप शॉर्टकट वाली वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ओके, सो 5 से 10 को अब डिवाइड करना है। ओके, ये हमारा एलसीएम है, 10 को डिवाइड करना 5 से, कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 2 5 या 10। ओके, 4 ऑलरेडी है और जो डिवाइड करके आया वो है 2, फिर प्लस की साइन थी, हमने प्लस दे दी। 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम में जाएगा और 2 न्यूमरेटर है ऑलरेडी, उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज द मल्टीप्लाई, 4 2 = 8 एंड 2 1 = 2 एंड डिवाइड में 10 है। ओके,
8 और 2 कितना होता है, दैट इज 10, डिवाइड में भी क्या है 10, तो 10 अपॉन 10 दैट इज द 1, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो देखा गाइस आपने, डिफरेंट है तो भी काम वैसे ही करना है, बस ये है कि जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम का इशू नहीं होता है, सेम नंबर ही आ जाता है, लेकिन जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है थोड़ा हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ जाता है। ओके, तो हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ज़्यादा होंगे, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसा हो। 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/8, ठीक है, इस बार हमने क्या किया, तीन फ्रैक्शन है ना, तीन फ्रैक्शन को ऐड करना एट ए टाइम। तो देखें 2 4 जाए 8, है ना, 2 के टेबल में ये भी आ रहा है, आप ट्रेडिशनल मेथड से फिर जाने वाले हैं अगर, तो यहाँ करना पड़ेगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8, फिर करने वाले तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, फिर क्या करना होगा, नंबर 1 को छोड़ देते हैं हम लोग, उसके अलावा जितने फैक्टर्स होते हैं सबको करते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अभी हमने क्या कहा आपको, जब टेबल में सारे नंबर्स आ जाएँ तो उसमें से जो नंबर बड़े हैं उसको आप ले लिया कीजिए, बस इजी, 8 हो गया एलसीएम इसका, 2 से इस 8 को डिवाइड करने वाले हैं, 2 4 जा 8, 1 पहले से है, 4 इसका डिवाइड करके आया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस था प्लस दीजिए, 4 से 8 को फिर डिवाइड कर दीजिए, कितने बार में जाएगा, 2 टाइम है, 4 2 जा 8, 3 पहले से है ना, और 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर प्लस की साइन प्लस दे दीजिए, 8 से 8 को डिवाइड करना 1 टाइम में जाएगा, पहले से क्या है 5, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करना है, 4 1 जा 4, फिर क्या करना है 3 2 जा 6, फिर 5 1 जा 5, है ना, और डिवाइड में है 8, आप क्या करेंगे, 6 और 4 10 10 5, हाउ मच 15/8, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर यहाँ पर ये फ्रैक्शन में एक दूसरे से कैंसिल आउट होने वाला टर्म होगा, इसमें कुछ कॉमन होगा, तो उसको हम लोग कट करके लिखेंगे, ठीक है ना। सपोज़ दैट किसी ने लिखा 24/, तो गाइस अगर आपके पास एक नंबर है फ्रैक्शन विच इज़ 24/6, है ना, तो ये आप देखेंगे 6 की टेबल में 1 टाइम में आएगा, 6 की टेबल में 4 टाइम में आएगा, तो इसको आप 4/1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया 1 हिडन होता है, इसलिए इसको आप क्या लिखने वाले हैं, 4 लिखने वाले, ये 4। लेकिन एक और क्वेश्चन हमारे पास, सपोज़ दैट वी हैव समथिंग, ओके, सो इट इज़ 54 और नीचे में हमारे पास है कुछ और विच इज़ 8, ओके, तो आपका जब इस टाइप से क्वेश्चन आने वाला है तो आप क्या करेंगे, जो कैंसिल आउट हो रहा है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको आंसर लिखनी है, ठीक है ना, 15/8, इसमें और कुछ होने वाला नहीं है, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर नहीं सकते, क्योंकि 15 1 जा 15, इसमें इसके बीच और कोई कॉमन आ नहीं रहा ना, इसलिए ये हो गया 27 2 जा, ये 4 2 जा, अब इसमें और ज़्यादा नहीं हो सकता कैंसिल आउट, तो आप फाइनली जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे 27/4, ना कि आप 54/8 लिखेंगे। तो जो हम लोग कैंसिल आउट करके लिखते हैं ना, फाइनल रिजल्ट आता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो आपको ऑलवेज आंसर करने हैं सिंपलेस्ट फॉर्म के फॉर्म में। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपको कभी भी फ्रैक्शन को डिवाइड में 1 शो नहीं करना है, सपोज़ यहाँ पर 15/1 आंसर आता तो आप यहाँ पर 15/1 नहीं लिखते, इसको चेंज करके 15 सिर्फ लिखते, ये आपका आंसर होता, लेकिन आपको यही चीज़ों का ख्याल करना है, तब आपके जो है ना कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले, ठीक है। तो ये हमने देखा अभी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में, चले कुछ और क्वेश्चन इसमें करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी तो 3 नंबर्स के किए, कोई बहुत बड़ा नंबर दे देगा, लार्ज नंबर दे देगा, तो उसके केस में हम लोग कैसे करेंगे, तो कुछ भी नहीं है, कोई भी क्वेश्चन होगा आप इस वीडियोस को कंप्लीट देख लें, सारे कॉन्सेप्ट को समझ लें, मैं गारंटी करता हूँ आपकी एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाली है, ठीक है ना, कोई सभी क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली कर देंगे। ओके, सपोज वी गोना टेक सम क्वेश्चन, 5/12 + 2/3 + 3/4 + 5/6 + 12/8 + 6/3, ओके, चलो एक और ऐड कर देता हूँ मैं इसमें, 1 बाई
5, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये इतना सारा फ्रैक्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फ्रैक्शंस को ऐड करना है। तो क्या लगता है आपको, बहुत टफ होने वाला है ये? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ट्रेडिशनल मेथड का अप्लाई कर लीजिए, या शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं आप, कुछ भी कर लीजिए। चलिए, आपको अगर शॉर्टकट नहीं पता है तो ट्रेडिशनल मेथड हम लोग करते हैं। डिनोमिनेटर सारे लिख लेने हैं एक जगह पर, ठीक है ना, और उसके बाद उसका एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड होने वाले कौन है, इवन ये है, इवन ये है, इवन इवन है ना, तो इवन नंबर काफ़ी सारे हैं, तो 2 से होने वाला है। 2 6 12, 3 नहीं डिवाइड हो रहा है तो सेम टू सेम लिख देंगे। 4 हो रहा है 2 टाइम में, लिख दीजिए, और 6 भी होता है 3 टाइम में, लिख दीजिए। 2 4 8, और 3 नहीं होता है, लिख दीजिए सेम टू सेम, और 5, ओके। अब और क्या करना है, फिर देख लीजिए, 6 जाने वाला है, 2 से 2 जाने वाला है, 2 से 4 जाने वाला है, फिर भी 3 नंबर है ना। अगर एक नंबर ऐसा हो जो 2 से डिवाइड हो रहा, बाकी नंबर नहीं हो रहा, तो आप उस केस में अप्लाई नहीं करेंगे, ओके। एलसीएम में आप जब भी एटलीस्ट 2 नंबर डिविजिबल होना चाहिए, तब आप उस प्रोसीजर को प्रोसीड करेंगे। चले, 2 3 6, 3 नहीं हो रहा, सेम टू सेम, 2 1 2, 3 सेम टू सेम, 2 2 4, 3 सेम टू सेम, और 5 सेम टू सेम। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 के बाद 1 से स्टार्ट नहीं करते, ऑलवेज जब भी एलसीएम लेना होता है 2 से स्टार्ट ही करते हैं। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 नहीं जाना आपको, ठीक है ना। आपको सबसे पहले 2 से ट्राई करना है, 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर सो ऑन ऑन, इसी तरीके से ऑड नंबर से हम लोग चेकआउट करते हैं, ओके। 3 से देखिए, 1 नंबर जाने वाला था, 3 1 3, 3 1 3, 1 तो सेम है, 3 1 3, 2 तो अपनी जगह, फिर 3 1 3, फिर 5, ओके। अब क्या करना है, अब 2 से करना नहीं है, 3 से अब नीचे आ नहीं सकते ना, 3 से होने वाला कोई है नहीं, 5 से एक नंबर है ना, तो करने की ज़रूरत ही क्या है। 1 जितना भी है सबको इग्नोर कर दीजिए, बाकी 1 के अलावा जितना नंबर है सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, वही आपका एलसीएम होगा। 2 2 4 4 3 12 12 5 6 62 120, यस, दिस इज योर एलसीएम। तो आपने क्या करना है, एलसीएम वाले नंबर को लिख देना है, 120 120, 12 से डिवाइड करेंगे, 10 टाइम में 12 10 120, और 5 पहले से है, 10 से डिवाइड हुआ, ओके, तो ये ठीक है। 3 से अब आपको 120 को डिवाइड करना है, तो 3 4 12 और 0 40 आएगा, आपके नंबर्स क्या है, 2, आपने इसको 40 से मल्टीप्लाई कर लेना, यही आया ना डिवाइड करके, प्लस था हमने प्लस दिया, 4 से 120 को डिवाइड करना, 4 3 12 और 0 30 टाइम में जा रहा है, तो 3 लिखिए और 30 लिखिए, प्लस 6 से कितने टाइम में जाएगा, 6 2 12 और 0 20 टाइम में जाएगा, 5 पहले है हमारा न्यूमरेटर और 20 टाइम में गया, ओके। फिर प्लस करनी है ना आपसे, 8 से करके देखनी होगी ना, 8 से कितने टाइम में जाता है, 15 8 जब 120, 15 आएगा, ये 12 पहले से हमारे पास, तो हमने क्या लिखा, 15, ओके। अब क्या है ना, अब हमारे पास 3 से फिर करना है इसको, तो 3 4 जा 12, राइट, 3 4 जा 12 होता है, तो हम लोग फिर देखेंगे 0 है, तो ये कितने टाइम में गया, 3 से 40 टाइम में गया, ओके। तो अभी आप क्या करेंगे, पहले से आपके पास 6 है न्यूमरेटर, और उसको आप किससे करने वाले हैं, 40 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ओके। फिर प्लस है, 5 से डिवाइड करने वाले हैं इसको, 5 से कितनी बार में आता है ये, 5 2 जा 10, 100 आएगा 20 टाइम में, और 4 और, तो 24 टाइम में आने वाला, 1 पहले से है 24 यहाँ, ओके। कुछ करना नहीं है, बस प्रोसीजर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कुछ इशू नहीं है इसमें, बहुत ईजी है, सारी जगह पे बस कैलकुलेशन आपको ध्यान देकर करना है, आपका डिनोमिनेटर जितना है वो ही लिख दीजिए और मल्टीप्लाई करते जाइए। 5 10 जा 50, प्लस 2 into 40, 42 जा हाउ मच 80, फिर प्लस 33 जा हाउ मच 90, फिर 25 जा 100, ओके। नेक्स्ट इज 12 into 15, हाउ मच, 15 10 जा 150, एंड 2 और 180 होगा ये, ओके। प्लस 6 4 जा 24 और 0, और प्लस 21 जा 24 1 जा 24। अब क्या करना है आपको, सिंपल, ऐड दिख रहा है सारा नंबर, सबको ऐड कर दीजिए, 4 0 0 0 0 0 कुछ नहीं है, सिर्फ 4 आएगा, ओके। आपने फिर जो है टेंथ प्लेस वाले को टेंथ प्लेस के साथ ऐड करनी है ना, 2 4 6 6 8, 14 14 0 14, और 14 9 23 23 और 8, हाउ मच, 31 31, और 5 कितना हो गया, 36, कैरी 3, ओके, 3 एंड 2 5,
5 और 1 6 और 1 7 ओके, ये हो गया आपका 7 और ये डिनोमिनेटर है आपका 120। अब क्या करना है ना, अभी हमने आपको कहा कि ये जो है ना आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर को लाना होगा, फ्रैक्शन ही आएगा ठीक है लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये 120 से 764 जाता ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो देख लीजिए, अगर आपको ये चीज़ याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इवन और ऑड नंबर, इवन है कि ऑड है उसकी पहचान करनी है। इवन नंबर कभी भी होगा तो उसके जो यूनिट डिजिट होंगे वो ज़ीरो पे एंड करेंगे, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। और अगर नंबर ऑड होगा तो उसकी यूनिट डिजिट जो होगी वो 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी और क्या होगी, 9 होगी। तो देख लीजिए, इसका यूनिट डिजिट 4 है ना, ये देखिए 4 और ये देखिए 0, तो दोनों इवन नंबर, दैट मीन्स 2 से डिवाइड होने वाला है ये। तो आपने क्या करना है, 2 3 6, 1 कैरी हो किधर आया 16, 2 8 16 और लास्ट में 2 4 2 2 4, यहाँ भी 2 से जाएगा ये, 2 6 12 और 0 दे देना है बस। फिर क्या है, इसके भी देख लीजिए कैसा है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, अभी भी 2 से जाने वाला है ठीक है। तो 2 1 2 ओके सॉरी 2 से डिवाइड करें, 2 1 2, 1 कैरी हो किधर आया तो 18 हो गया, 2 9 18 और 2 1 2, अभी ये भी जाने वाला है 32 जा ओके। अभी इसके नंबर में क्या है, इवन है कि ऑड, डिसाइड करने के लिए यूनिट डिजिट 1 है ठीक है ना, ये 1 है तो ऑड हो गया, ये अब क्या है, इवन है, ऑड इवन में कोई मामला ही नहीं बनता है ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब और ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं कर सकते हैं हम लोग ठीक है। तो इसीलिए हम लोग फाइनल आंसर जो लिखेंगे वो लिखेंगे 191/30 ओके। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, तो कोई इशू नहीं है इसमें, सारी चीज़ें तो सेम है, सारी प्रोसीजर हमने क्या की है ना, जैसे मैंने पहले बताया कॉन्सेप्ट, इजी नंबर हो कम फ्रैक्शन हो तो भी वैसे ही करेंगे, और नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ज़्यादा होंगे तब भी वैसे ही करेंगे, प्रोसीजर सारी की सारी सेम है। सबसे पहला प्रोसीजर हमने आपको क्या बताया, जितने भी नंबर्स हैं सब के डिनोमिनेटर ले लें, जा करके कहीं पर एलसीएम निकाल देनी है, एलसीएम निकाल कर लिख देनी है उसकी, उसके बाद क्या करना है, उस एलसीएम को पार्टिकुलर हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करनी है। डिवाइड करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करनी है। न्यूमरेटर 5 था, 5 से 10 को मल्टीप्लाई किया, 3 से फिर 120 को डिवाइड किया, 40 टाइम्स में जा रहा 40 आंसर आया, न्यूमरेटर उसका 2 था उसको 40 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से डिवाइड किया 30 टाइम्स में गया 30 आंसर है और 3 न्यूमरेटर था हमने मल्टीप्लाई किया, 6 से फिर डिवाइड किया तो ये 20 टाइम्स में गया और 5 उसकी न्यूमरेटर थी मल्टीप्लाई किया, 8 से फिर डिवाइड किया 15 टाइम्स में गया और 12 उसकी न्यूमरेटर थी 12 से मल्टीप्लाई किया, 3 से फिर डिवाइड किया 120 को तो हमारा रिजल्ट 40 आया, 40 को हमने उसके न्यूमरेटर 6 से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट में 5 से फिर 120 को डिवाइड किया 24 टाइम में गया और उसके बाद हमने क्या किया, न्यूमरेटर से उसके मल्टीप्लाई किया, सारे को नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करके लिख दिया और लास्ट स्टेप जो था हमारा सारे को ऐड करके लिख दिया, लिखने के बाद उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। और ये इवन नंबर और ऑड नंबर की कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो अगर कोई भी कितना भी बड़ा सा नंबर हो, ये कोई देगा ये 2 7 5 6 2 है ना 0, उसको डिवाइड करना होगा 7 5 2 7 2 5 9 ऐसा करके, तो ये इसकी यूनिट डिजिट देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं इवन है या ऑड है। ये कैसा है, 0 है ना तो इवन नंबर है, ये कैसा है ऑड है तो इवन ऑड है, तो इसके बीच अब कुछ कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है ना। सो गाइस, आपने क्या देखा कि इवन नंबर और ऑड नंबर की पहचान हम लोग इजीली कर सकते हैं उसकी यूनिट डिजिट को डिसाइड करके। यूनिट डिजिट आप देखेंगे कितना भी बड़ा नंबर होगा, किसी ने कह दिया 5 2 7 6 कैसा नंबर है, इवन है कि ऑड है, तो इवन है ये कैसे डिसाइड करेंगे, इसकी यूनिट डिजिट देखकर, 6 है ना, 6 कहाँ लाई कर रहा है, इवन में ना, इवन है ये। किसी ने कहा 2 5 5 2 6 5 ऐसा करके ठीक है ना, 2 7 3 लास्ट में यूनिट डिजिट देखिए 3 है तो ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है, सॉरी लास्ट में 3 है ना तो ये ऑड नंबर है। तो ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है याद करना कि इवन नंबर कब होता है
ऑड नंबर कब होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से एडिशन ऑफ फ्रैक्शन तो देख चुके, हम लोग जो है ना सिंपल से क्वेश्चंस का कर रहे थे अभी, अभी हम लोग ये जो है ना मिक्स फ्रैक्शन की देखने वाले हैं, ठीक है ना। ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं था, ये सिंपल फ्रैक्शन था। तो देख लेते हैं यहाँ अभी मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। सो लेट्स टेक वन क्वेश्चन। Suppose that we have 4 whole 3 upon 8, okay, and we have to add it with 3 whole 1 upon 8. देख ले केस, ये जो है ना मिक्स फ्रैक्शन के केस में है, लेकिन डिनोमिनेटर इसकी सेम है। सबसे पहले क्या करना, आपको इसके साथ मल्टीप्लाई 4 8 जा 32 और उसके बाद उसके साथ ऐड करना है, ठीक है। तो 4 8 जा 32 और 8 4 जा 32 एंड 3, हाउ मच 32 एंड 3, दैट इज 35 बाय 8, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल फ्रैक्शन में ले आना, 8 3 जा 24 और 1 और, है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये इसके साथ ऐड होता है। 8 3 जा 24 और 1, हाउ मच 25, ठीक है ना, और इसको हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, फिर ये आपका हो गया सिंपल सा, जैसा हमने पहले किया। 8 और 8 का एलसीएम 8 होगा, 8 से 8 सेम टाइम में जाएगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट कर लेना, ठीक है ना। तो क्या करना, इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 30 36 हो गया, ठीक है ना, 60 बाई 8। अब ये चूँकि इवन नंबर, ये भी इवन नंबर है, कैंसिल आउट होगा, 4 टाइम से जा रहा, 15 4 जा 2 4 जा, अभी ये नहीं हो रहा ना डिवाइड, तो आप 15/2 लिख करके इसका रिजल्ट दे देंगे, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। वो प्रोसीजर हमने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, सेम नंबर रहे तो फिर उससे मल्टीप्लाई करके बात नहीं बनती। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 35 को 1 से करेंगे तो सेम ही आएगा ना, ये सेम केस में रहेगा, आप उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन का ही होगा लेकिन डिनोमिनेटर उसकी डिफरेंट होगी। 3 होल 3 अपॉन 4 प्लस 5 होल 1 अपॉन 8 प्लस 1 होल 3 अपॉन 16, है ना, ये क्वेश्चन है अपना। अभी सबसे पहले हमने क्या बताया, आपको 4 को 3 से मल्टीप्लाई, मिक्स फ्रैक्शन का एक पार्ट हम लोग समझ लेते हैं। सपोज दैट P इंटू क्यू अपॉन R, है ना, P इंटू क्यू अपॉन R, तो ये इसके दो पार्ट हैं, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, ठीक है। ये आपका कौन सा पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, और ये जो एक और पार्ट है P जो है सिर्फ, वो आपका कौन सा है, होल पार्ट है, होल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये दो पार्ट से मिलकर बना, तो आप इसको क्या करना, पहले मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 और उसके बाद यहाँ से यहाँ इसको मल्टीप्लाई और यहाँ से यहाँ इसको ऐड, है ना, 4 3 जा 12 और 3 हाउ मच 15 अपॉन 4, फिर क्या है 8 5 जा 40 और 1 और ऐड करना है 41 बाई 8, फिर क्या है 16 1 जा 16 और 1 16 1 जा 16 और 3 19 अपॉन 16, ठीक है। अभी फिर क्या करना है, 4 8 16, ठीक है, तो आपका एलसीएम निकाल लेना होगा आपको। तो ये 4 8 और 16, 2 से आपने किया 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से किया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, दो नंबर जाने वाले हैं इसीलिए 2 से एक बार और करेंगे, 2 2 जा 4। अभी फाइनली क्या करेंगे, आप सारे 2's को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ 1 को छोड़ देना, बाकी जितने नंबर्स होंगे सबको आपस में मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। तो देख लीजिए 4 के टेबल में 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, मैक्सिमम नंबर जो आता है वो शॉर्ट में आप ले सकते हैं, दिस इज 16, 16 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम में आएगा ना,
तो ये 15 ऊपर न्यूमरेटर है, फिर 4 आपका आ गया रिजल्ट डिवाइड करके। फिर नेक्स्ट वाले फ्रैक्शन का जो है डिनोमिनेटर 8, उससे डिवाइड करेंगे, 8 से 2 टाइम में जाता है, 41 पहले से है उसको 2 से मल्टीप्लाई, प्लस था तो प्लस किया, 16 से 16 कितने टाइम में जाता है, 1 टाइम में जाता है, 19 पहले से 19 ठीक है। 15 4 जा कितना होता है 60, प्लस 41 2 जा कितना होता है 82, और 19 1 जा 19, और इसको डिवाइड हम लोग 16 से कर देंगे ठीक है। फिर ऐड कर दी 9 2 11 और 0 1 कैरी 1 ओके, 8 1 9 और 6 15 और 1 और कैरी था तो ये हो गया 16, ये 16 गाइस। अब ये जो है ना चेक करेंगे हम लोग कैसा है नंबर, ये 1 जो है ना यूनिट डिजिट तो ये ऑड नंबर है, ये यूनिट डिजिट 6 है इवन नंबर है तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे इसको मिस्टेक में क्या करते हैं, यहाँ 16 लिख रहा है यहाँ 16, ये इसको काट देते हैं है ना, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा, इसको आप नहीं कैंसिल आउट कर सकते, ऐसा कर ही नहीं सकते आप ठीक है ना। आपको क्या लिखना होगा 161 बाई 16 ही लिखना होगा। अगर ऐसा होता यहाँ पर 16 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 16, ये आप कैंसिल आउट कर लेते, ये आप कर सकते हैं ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को देखेंगे ऐसे 204 लिखा हुआ है ठीक है, अगर इसको 2 से डिवाइड करना है तो 2 से ये इधर से 2 काट देंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा, नहीं ना, दिस इज़ रॉन्ग। आपको इन बातों का ख्याल रखना है ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं ठीक है। ये था आंसर हमारा 161 बाई 16, अभी कैंसिल आउट नहीं होगा, दिस इज़ योर फाइनल स्टेप, दिस इज़ योर आंसर ओके। तो इसके स्टेप्स बहुत ही ईजी हैं, जैसे 2 नंबर का हमने काम किया वैसे ही 3 नंबर्स को, 3 मिक्स फ्रैक्शन को काम किया, अब वैसे ही आपको 10 मिक्स फ्रैक्शन भी आ जाएगा तो भी आप सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे और सारे फ्रैक्शंस का काम इजी वे में कर देंगे ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपकी बेसिक्स इससे इम्प्रूव होगी। हमने अभी अपने चैनल पर बहुत सारा प्लेलिस्ट बना रखा है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तो आप वहाँ जाकर सारी बेसिक चीज़ें आप इजी वे में सीख सकते हैं ठीक है। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 4 और 5 की बुक उठा लें मैथ की ठीक है, उसके अंदर में ये फ्रैक्शंस के चैप्टर ओपन कर लें और सारे क्वेश्चंस को करके देखें, आप इजी कर लेंगे ठीक है, सारे क्वेश्चंस को इजीली कर लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।